हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ सेट्स के जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं 2 से लेके 12 तक के, वहाँ के कुछ बिगनिंग के क्वेश्चंस कराऊंगी इस वीडियो में। तो इसको शुरू कराने से पहले मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब कोई स्टेटमेंट दी होती है कि चेक करो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो अगर तो हम ये कहें कि ये ट्रू है, देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल द केसेस। देयर शुड नॉट बी इवन अ सिंगल केस फॉर विच दैट कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। यानी कि एक सिंगल केस भी नहीं होना चाहिए जहां ये आपकी कंडीशन है वो सेटिस्फाई ना हो रही हो, तो तब हम उसको बोलते हैं कि ये ट्रू है। अगर आपके पास एक ऐसी स्टेटमेंट है, कुछ केसेस के लिए वो ट्रू आ रही है और कुछ केसेस में वो फॉल्स आ रही है, तो वो फॉल्स होती है। आप ये नहीं कहोगे कि ये देखो इस केस में ये ट्रू आ रही है तो ये ट्रू भी हो सकती है। नहीं, ट्रू का मतलब इट मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल द केसेस। देयर शुड नॉट बी इवन सिंगल केस फॉर विच दैट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने यहां पर एक कंडीशन ली है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है? आपको दिख रहा है ए अलग है और बी अलग है। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट कंटेन्ड इन बी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट सी, यानी बी सी का सबसेट नहीं है, यानी बी इज नॉट कंटेन्ड इन सी। देन ए इज सबसेट ऑफ सी, यस ए इज सबसेट ऑफ सी है, तो यहां ट्रू हो रहा है। लेकिन अगर मैं यही वाली कंडीशन, ये वाली जो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, दोनों अलग अलग है, दिस ए इज नॉट कंटेन्ड इन बी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, बी इज नॉट कंटेन्ड इन सी, बी और सी अलग अलग है, देन ए इज सबसेट ऑफ सी, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कि ए इज कंटेन्ड इन सी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, यानी कि इस केस में ये फॉल्स है। कंडीशन वही है, एक केस में हम यहां पर ले रहे हैं ट्रू है और एक में ये फॉल्स आ रही है, तो ये होल स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स ही समझी जाएगी, हम इसको ट्रू नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ केसेस में ये ट्रू आ रही है और कुछ केसेस में ये फॉल्स आ रही है, तो ऐसी को हम फॉल्स लेंगे। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट 4 और 5 वो दोनों में इसी तरीके से है, उसके कुछ केसेस में वो ट्रू होगा, कुछ में फॉल्स, तो वो फॉल्स ही हम उसको लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1, यानी सेट्स। क्या करना है इसमें, क्वेश्चन गिवन ये है कि इन ईच ऑफ दीज गिवन स्टेटमेंट्स यू आर टू चेक विच वन इज अ ट्रू एंड विच वन इज अ फॉल्स। इफ द गिवन स्टेटमेंट इज अ ट्रू देन प्रूव इट, एंड इफ इट इज अ फॉल्स देन शो इट विद एन एग्जाम्पल। यानी कि फॉल्स होगा तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा इसका, और अगर ट्रू है तो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। अब हम पहला केस ले रहे हैं कि x belongs to a and a belongs to b, यानी कि x एक एलिमेंट है सेट a का, तो फर्स्ट पार्ट करना शुरू कर रहे हैं हम। तो मैंने क्या लिया, a सेट इस तरीके से ले लिया, ये x y, ठीक है जी, x इसका एलिमेंट हो गया कि नहीं, x belongs to a हो गया कि नहीं। अब a belongs to b, ये पूरा सेट जो है a, ठीक है जी, वो एक सेट b का एलिमेंट है, यानी ये सेट a, ओके जी, ये सेट ए इस बी सेट का एक एलिमेंट बन गया, ये लीजिए मैंने बना दिया। अब ये पूछा है कि एक्स बिलोंग्स टू बी है, देखिए एक्स बिलोंग्स टू बी क्लियरली आप देख रहे हैं कि नहीं है। हाँ, अगर ये पूरा का पूरा अगर आप लेते हैं, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था कि आपके किसी सेट के एलिमेंट्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम, तो अगर ये पूरा का पूरा ऐसे होता कि ये एक्स कॉमा वाई होता पूरा का पूरा, तब ये बिलोंग करता बी को, लेकिन means x y together in these curly brackets will be considered as element of b alone, if you are taking this x alone then it doesn't belongs to b, this is not the element of b, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका false, क्योंकि ये तो कह रहा था कि x belongs to b है, तो ये आपका हो गया जी false। अब मैं आपको करा रही हूँ दूसरा second part, second part में क्या given है कि A is a subset of B. A is a subset of B. तो मैंने A और B दो सेट इस तरीके से लेने हैं कि A is a subset of B. Okay, X, comma Y. और B subset, B set ऐसे लेना है कि this
ए इज सबसेट ऑफ बी. आप देख सकते हैं ए के एलिमेंट है एक्स वाई और बी के एलिमेंट है एक्स वाई जेड. तो क्लियरली ए इज सबसेट ऑफ बी क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है. अब इसने बोला है कि जो बी है दैट बिलोंग्स टू सेट सी. यानी अब एक ऐसा सेट सी है कि उसके जितने भी एलिमेंट हैं, सॉरी बी सेट है ना, जो बी सेट एज इट इज, ये पूरा बी सेट एज इट इज, वो सी सेट का एलिमेंट है. बिकॉज बी सेट फुल बी सेट इज एन एलिमेंट ऑफ सी. यानी कि बी सेट पूरे का पूरा जो है एक्स वाई जेड ये ले लिया डब्ल्यू. तो यानी कि ये बी सेट फुल एज इट इज एन एलिमेंट ऑफ सी. तो आप जरा बताइए कि जो जो सेट ए था, सेट ए क्या वो सी का एलिमेंट है? सेट ए था एक्स कॉमा वाई, क्या एक्स कॉमा वाई सी को बिलोंग कर रहा है? कहीं एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई सिर्फ एक्स वाई टुगेदर इट शुड बी इन द कर्ली ब्रैकेट. लेकिन है तो सही, लेकिन वो एक्स वाई जेड इन द कर्ली ब्रैकेट है. ये तो अलग एलिमेंट है और ये एक्स वाई अलग है, तो ये नहीं है. यानी कि एक्स कॉमा वाई इन द कर्ली ब्रैकेट मीन्स द ए सेट डजंट बिलोंग्स टू सी. जबकि वो कह रहा था कि ए बिलोंग्स टू सी है, इसका मतलब ये भी आपका फॉल्स हो गया. ठीक है जी, अब हम ले रहे हैं थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में है कि ए, पहले मैं करके देख रही हूं, ए इज सबसेट ऑफ बी. ओके, मैंने फटाफट से ले लिया ए, चलो एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स कॉमा वाई, बी मैंने ले लिया एक्स वाई जेड. ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी. बी जो है पूरा पूरा सी का सबसेट है. यानी कि अब देखो बी सुपरसेट है ए के लिए, यानी बी सुपरसेट है ए के लिए, बी के जितने भी एलिमेंट हैं उन्हीं के अंदर सेट ए के एलिमेंट्स आ रहे हैं. ठीक, ऐसे ही इसमें बोला है सी इज सुपरसेट ऑफ बी. यानी सी अब एक ऐसा सेट लेना है जिसमें बी के सारे एलिमेंट हो, एक्स वाई जेड डब्ल्यू. तो आपको दिख रहा है ना ए इज सबसेट ऑफ सी. यस, एक्स वाई दो इसके एलिमेंट्स है, एक्स के सॉरी ए के, एक्स वाई ये दोनों इसमें आ रहे हैं. यस, ए इज सबसेट ऑफ सी, ये ट्रू आ गया. जब ये ट्रू आ गया तो इसका मतलब आपको पूरे क्वेश्चन में पहले ही मैंने बता दिया था कि अगर ट्रू आता है तो प्रूव करना है आपको, एग्जाम्पल से नहीं शो करना, फिर आपको प्रूफ करके दिखाना है. ये चीज तो एग्जाम्पल होगी. ठीक है जी, ट्रू जब भी होता है तो उसके लिए आपको सिर्फ एग्जाम्पल से शो करना इनफ नहीं होता, उसको वैसे ही प्रूफ करना है. तो आपको इसने दो कंडीशंस दी हुई है कि ए, इसमें अगर हम लें कि भी गिवन क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी. और हमें प्रूफ क्या करना है, ए इज सबसेट ऑफ सी, ये हमें प्रूफ करना है. चलो मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करती हूँ. इसके प्रूफ में हमें ए को सी का सबसेट शो करना है. मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको इसको इसका सबसेट शो करना है तो एक एलिमेंट कोई भी आर्बिट्री आप यहां से लेंगे और वो शो कर देंगे कि वो तो इसमें भी है. यानी कि इसके जितने भी एलिमेंट है वो इसमें, यानी ए इज सबसेट ऑफ सी. तो हम लेते हैं लेट एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए. अब आपको पता है कि ए जो है वो बी का सबसेट है. अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी सेट में तो होंगे ही होंगे, क्योंकि बी सेट ए का सुपरसेट है. बी सेट इज सुपरसेट ऑफ ए. यानी कि ए में अगर एक्स लाई करता है तो एक्स आपका बी में भी लाई करेगा. रीजन आप देंगे बिकॉज ए इज द सबसेट ऑफ बी. यानी कि बी इज द सबसेट ऑफ बिगर सेट विच इज कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ऑल्सो. तो अगर ए में एक्स लाई करता है तो बी में अल्टीमेटली लाई करेगा. अच्छा, उसके बाद इसने बोल दिया बट बी तो जो है वो सी का सबसेट है. अगर एक्स बी में लाई करता है और बी का सुपरसेट है सी, तो बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सी में भी होंगे. इसका मतलब, तो अगर मैं कह रही हूं कि एक्स बी को बिलोंग करता है और बी का सुपरसेट है सी, तो एक्स जो है वो सी को भी बिलोंग करेगा क्योंकि बी इज सबसेट ऑफ सी.
ठीक है जी। तो इसका मतलब अब हम एलिमेंट लेके चले थे, x belongs to a, हमने एलिमेंट यहां से लिया लेकिन वो कहां आ गया, x belongs to c आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि a is subset of c, hence proved कि आपका a is subset of c, ठीक है जी। हां जी, ये देखिए फोर्थ पार्ट है हमारा कि a is not subset of b। मैं थोड़ा वेन डायग्राम से आपको दिखाना चाहती हूँ कि a is not subset of b, ठीक है जी। a अलग सेट है, b अलग सेट है, a जो है वो b का सबसेट नहीं है। अगर सबसेट होता तो ऐसे होता ना, a is, ये a है और ये b है, तो a b का सबसेट है, लेकिन ये कह रहा है कि a b का सबसेट नहीं है। फिर वो कह रहा है कि b is not subset of c, b is not subset of c, ठीक है, b is not subset of c, okay, b is not subset of c, ठीक है। b जो है वो c के अंदर तो नहीं है, b अलग है, c अलग है, तो b जो है ऐसे तो नहीं है कि b और ये c, उसने बोला है b is not subset of c, ठीक है, ऐसा वाला नहीं है, यानी b अलग है और c अलग है। फिर उसके बाद बोला क्या a subset नहीं है c का, हमें तो दिख रहा है a subset of c ले सकते हैं, वैसे तो वैसे भी ले सकते थे, देखो a b और c अलग है, a is not subset of b, दोनों अलग अलग हैं, b is not subset of c, in that case a is not subset of c, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं ऐसे भी तो बना सकती हूँ, कोई ऐसा भी एग्जांपल ले सकती हूँ कि a जो है वो b का सबसेट नहीं है, b जो है वो c का सबसेट नहीं है, लेकिन a जो है वो c का सबसेट है, लेकिन वो कह रहा है कि a जो है वो c का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो यानी कि ये है फॉल्स। लेकिन अब हमें करके दिखाना है, जब फॉल्स आ गया तो हमें ये करके दिखाना है एग्जाम्पल से। तो मैंने एग्जाम्पल इसी तरीके से यहाँ पर पहले लिए हैं, मैंने a लिया एक्स वाई, बी लिया वाई जेड, तो a इज नॉट सबसेट ऑफ b, a के सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, b इज नॉट सबसेट ऑफ c, लेकिन देखो b के जितने एलिमेंट है वाई जेड, वाई तो है z नहीं है, यानी कि b जो है वो c का सबसेट नहीं है, लेकिन मैंने कुछ इस तरीके से लिया है कि a के जितने एलिमेंट थे वो मैंने इसमें ले लिए, यानी कि a जो है वो c का सबसेट है, ठीक है जी। तो a जो है वो b का सबसेट नहीं है, b जो है वो c का सबसेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर a जो है वो c का सबसेट है, जबकि वो कह रहा था कि a जो है वो c का सबसेट नहीं होगा। हाँ जी, पार्ट 5 में कह रहा है कि इफ x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, अगर मैं वेन डायग्राम से लूँ तो x एक एलिमेंट है जो a में है, ठीक है, एंड a इज नॉट सबसेट ऑफ b, तो हम इसको दो तीन तरीके से बना सकते हैं। अगर हम ये दिखा दें ये a है ये b है, ठीक है, एक और भी ऐसे हो सकता है, देखो ये भी हो सकता है कि ऐसे हो, ठीक है, कि x a को बिलोंग कर रहा है, या तो ये वाला केस होगा या ये वाला केस होगा, x belongs to a, a is not subset of b, ठीक है जी। तो x belongs to b है, इसमें तो नो, इसमें तो नहीं है, x doesn't belongs to b, ठीक है, यानी कि ये वाला तो केस ट्रू हो जाता है। लेकिन अगर आप यहां पर दोबारा से अगर इसको देखें कि x a को बिलोंग कर रहा है और a जो है दैट इज नॉट सबसेट ऑफ b, यहां पर देखो कुछ पार्शियल ओवरलैप, ये आपकी कॉमन है एलिमेंट, ओवरलैपिंग हो रही है, कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, लेकिन a के सारे एलिमेंट तो b के साथ कॉमन ही है। अगर x जो है वो b के जितना इसका कॉमन पोर्शन है जो h है उसके अंदर आ गया, अगर ऐसा हो तो हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, तो इसका मतलब a जो है हमारी ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, x belongs to a, a is not subset of b, then x belongs to b, इस केस में ये ट्रू आ गया, ठीक है, x belongs to b आ गया। तो यानी कि ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। तो हम यहां पर इसको क्या बोलेंगे कि ये है फॉल्स, x belongs to a, ठीक है, x belongs to a, x y z, यहां हम इसको लेते हैं z, ठीक है, अगर a है x y z और b है z w, तो अब हम ये देख रहे हैं कि a is not x, sorry, पहले तो x belongs to a है, हाँ जी है, x belongs to a है, a is not subset of b है, a is not subset of b है, उसने बोला x belongs to b है,
x belongs to b है, x doesn't belongs to b है. जब ये इसने बोला था x belongs to b होगा, तो ये फॉल्स हो गया. ठीक, हाँ जी. अब करेंगे सिक्स पार्ट. सिक्स पार्ट में a is subset of b. अगर चलिए मैं करती हूँ कि a मैंने लिया 1, 2 और b मैंने लिया 1, 2, 3. ठीक है, अब x doesn't belongs to b. x कोई एलिमेंट मान लो 4 doesn't belongs to b. अगर 4 b में नहीं है और आपको पता है a सबसेट ऑफ b सुपरसेट है a का, तो अगर 4 b में नहीं है तो a में कैसे होगा? तो 4 doesn't belongs to a होगा. यानी कि x इसको x से रिप्रेजेंट कर दो, तो x अगर b में नहीं है तो x a में कहां से होगा? तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया. इसने यही बोला ना. और जब ट्रू होता है तो हमें वो प्रूव करके दिखाना पड़ता है. तो हमने क्या किया, इसको कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव करने की कोशिश की. इसने बोला कि x doesn't belongs to a, हमने लिया let x belongs to a. If it is possible कि x हमने लिया a को belong करते हैं, अगर a को belong करता है, हमें पता है ये चीज हमें given है, ये चीज given है कि a is subset of b, यानी b superset है. जो भी element a में आएगा वो b में होगा ही होगा. तो अगर मैं कह रही हूँ x a में belong करता है, तो x b में भी belong करेगा, जबकि ये चीज तो हमें given है. But x doesn't belongs to b is given to us, या कह लो it is contradictory as it is given that x doesn't belongs to b. और हम कौन सी x belongs to b, यानी कि हमने जो सपोज किया है पहले शुरू में, assume किया है कि x belongs to a, that is wrong. यानी x doesn't belongs to a. पहुंच गए हम रिजल्ट पर. ठीक है जी, तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हो गए. हाँ जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में ये दो चीजें गिवन है कि a यूनियन b जो है वो a यूनियन c के इक्वल है, एंड साथ में ये भी है कि a इंटरसेक्शन b भी a इंटरसेक्शन c के इक्वल है, और आपको प्रूव करना है कि b इज इक्वल टू c है. ठीक है, तो हमें जो चीज ये गिवन है, मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूँ कि गिवन क्या है, a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c. मैं सारे प्रूफ प्रॉपर्टीज अप्लाई करके यहां पर करूंगी. ठीक है जी, अब जैसे अगर सपोज करो एक सेट है x 1, 2 और दूसरा सेट है y, वो भी 1, 2 है. ठीक है, और अगर आप एक सेट आपका c है, अगर या फिर ऐसे कीजिए, हाँ ये दो सेट हैं, अगर ये इक्वल है, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है, अगर मैं एक सी सेट है वो है खाली 2, अगर ये दोनों सेट इक्वल हैं, अब मैं एक्स इंटरसेक्शन सी करूं तो क्या आता है 2, वाई का इंटरसेक्शन सी के साथ करूं तो क्या आता है वो भी 2. तो इस सेट का जो, अगर दो सेट आपस में इक्वल हैं, उनका सेम सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन लूंगी तो वो भी तो सेम होगा आपस में. तो इसी तरीके से अगर मैं ये कह रही हूं कि a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c, क्योंकि a यूनियन b एक सेट बन जाता है, यूनियन करने के बाद एक सेट बन जाता है, तो ये एक सेट ये एक दूसरे सेट के इक्वल है. जब ये एक सेट दूसरे सेट के इक्वल है तो इसका इंटरसेक्शन मैं किसी भी सेट के साथ दोनों साइड्स लूंगी तो वो आंसर भी सेम होगा. तो मैंने इसके साथ लिया b, तो मैंने लिया b इंटरसेक्शन a यूनियन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a यूनियन c. ठीक है जी, अब आप ये देखिए कि यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चलो हम दोनों साइड लगा देते हैं, कोई बात नहीं, यहां भी लगा देते हैं. हाँ, वैसे तो इसको हम सीधा बता सकते हैं, a यूनियन b और b, इन दोनों में b इज सबसेट ऑफ a यूनियन b. ठीक है, b इज सबसेट ऑफ a यूनियन b है. तो अभी इसको छोड़ देते हैं, b लिखते हैं. क्यों लिखते हैं बताती हूँ आपको. और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ तो देखो b था और यहाँ भी b है, इस वजह से ये कंपेरेबल थे, मैंने इनको कंपेयर करके यहाँ लिख दिया. लेकिन यहाँ पर ये a है, ये b है, ये c है, ये सारे अलग अलग थे, इसलिए मैंने यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लाई.
B intersection A, B intersection A, फिर ये union B intersection C, ठीक है जी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये कैसे आया यहां पर, इसको मैं इधर समझा। ये देखिए, एक है A, 1, 2 और एक है B, 3, 4। अगर मैंने A यूनियन B कर लिया तो 1, 2, 3, 4 आ गया, ठीक। और उसका इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन अगर B के साथ करती हूं मैं, ठीक है, तो क्या आएगा? ऑब्वियसली जो B है, B के जितने भी एलिमेंट है 3, 4 वो इसके अंदर होंगे, तो B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। अगर B A यूनियन B का सबसेट है तो जब आप इंटरसेक्शन करते हैं तो आंसर क्या होता है? जो सबसेट होता है, छोटा वाला सेट होता है, यूनियन में सुपरसेट आता है। अगर दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो सुपरसेट आता है, दो सेट्स का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो सबसेट आता है। तो अब इस तरीके से हमने देखा कि A यूनियन B और B में से, क्योंकि आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इसमें और इसमें से सबसेट कौन है? A यूनियन B, यूनियन करने के बाद तो ऑब्वियसली A और B का, अगर B का किसी भी सेट के साथ आप यूनियन कर रहे हो तो वो एक बिगर सेट बन गया, बड़ा सेट बन गया जिसमें B लाई करता है। तो जब आपने इसको देखा तो B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो यहां पर एक तो बाय, ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक तो हमने ये अप्लाई किया, और ये कहां से आया? बाय एज, या फिर लिखिए बिकॉज B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B, इस वजह से ये आपका आया है, ओके। अब इसके बाद B इज इक्वल टू, ठीक है, अब आपको पता है कि यहां पर A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है? A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल है। तो मैं A इंटरसेक्शन B की जगह क्या लिख दूंगी? A इंटरसेक्शन C, यूनियन B इंटरसेक्शन C। इसका रीजन लिख दीजिए, बिकॉज A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C इज गिवन, इस वजह से। अब इसके बाद अब देखिए यहां पर इंटरसेक्शन C, इंटरसेक्शन C, ठीक है, यहां पर फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं इसका। B इज इक्वल टू, ये इंटरसेक्शन C बाहर जैसे कॉमन नहीं निकालते वैसे ही आ गया, बचेगा क्या? A यूनियन B, A यूनियन B, ये इंटरसेक्शन C दोनों में से बाहर आ गया, इंटरसेक्शन C बाहर आ गया, बचा क्या? A यूनियन B आ गया। अब इसके बाद देखिए कि ये फिर कंपेरेबल नहीं है, ये A है, ये B है, ये C है, लेकिन A यूनियन B किसके इक्वल है? A यूनियन C। तो हम यहां पर A यूनियन C कर देंगे, तो ये आपके पास, क्योंकि A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C इज गिवन, दिस इज गिवन टू यू। अब ये देखिए, ये A यूनियन C और ये C है ना, अब कंपेरेबल हो गया ना, C यहां भी है यहां भी है। अब C का यूनियन अगर A के साथ लेंगे तो ऑब्वियसली ये तो बड़ा बन गया इससे, और हमें लेना है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है यानी सबसेट आता है, तो यहां पर आ जाएगा C। क्यों? रीजन देंगे, बिकॉज C इज सबसेट ऑफ A यूनियन C, C जो है वो A यूनियन C का सबसेट है, और इंटरसेक्शन में जो सबसेट होता है वही आंसर में आता है, इसलिए B इज इक्वल टू C, हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें ना हमें ये चार कंडीशंस दी हुई है और ये बोला कि ये प्रूव करो कि ये सारी की सारी इक्विवेलेंट है, यानी इक्वल है, ठीक है। तो मैं पहले फर्स्ट को सेकंड के इक्वल कर रही हूँ, तो फर्स्ट में बोला है कि A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B, ये हमें गिवन है, ये एक चीज गिवन है। तो हमने लिया लेट X बिलोंग्स टू A, हमने एलिमेंट लिया A में से, लेकिन A इज सबसेट ऑफ B, दिस इंप्लाइज A के जितने एलिमेंट होंगे वो B में होंगे, क्योंकि B सुपरसेट है A का, this implies X belongs to B, क्योंकि A is super, A is subset of B। अब सारे जितने भी एलिमेंट A में है वो B के साथ
साथ कॉमन है। तो अगर मैं a माइनस b लिखती हूँ, यानी a में से वो एलिमेंट जो उसके b के साथ कॉमन है वो हटा दो, a में से b के साथ उसके जो कॉमन एलिमेंट है a के वो हटा दो, तो क्या बचेगा भाई? a जो है, अगर मैं a आपको दिखाऊं 1 2 और b है आपका 1 2 3, a सबसेट ऑफ b। अब a में से अगर b के एलिमेंट हटा दूं तो 1 भी हट गया, 2 भी हट गया, क्या बचा आपके पास? 5। कुछ भी एलिमेंट नहीं बचा, आपके पास 5 बचा। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, 1 एंड 2 आर इक्विवेलेंट, 1 से 2, 1 एंड 2 आर इक्विवेलेंट। हाँ जी, अब हमें ये चीज सेकंड, फर्स्ट से हम सेकंड ले आए कि फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, अब सेकंड टू थर्ड लेके आए, यानी ये चीज अब हमारे अगर गिवन है a माइनस b इज इक्वल टू 5। अभी हमने देखा था कि अगर a में से b के सारे एलिमेंट हमने माइनस कर दिए, 5 बचा, कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, इसका मतलब a के सारे एलिमेंट b के साथ कॉमन थे, यानी a इज सबसेट ऑफ b हो गया। ठीक है, और हमें पता है, अब हमें a यूनियन b निकालना है, a यूनियन b, हमें पता है कि यूनियन में हमेशा सुपरसेट जो होता है, अगर दो कंपेरेबल a और b कंपेरेबल है तो इनमें जो बड़ा सेट होगा, जो सुपर सेट होगा वो आंसर में आएगा, और यहाँ पर कौन सा है सुपर सेट दोनों में से, b इज द सुपर सेट, b बिगर सेट है इसलिए b आएगा। तो हमारा जो सेकंड है वो थर्ड आ गया, यानी कि सेकंड एंड थर्ड आर इक्विवेलेंट। हम करेंगे थर्ड इज इक्विवेलेंट टू फोर्थ, यानी कि थर्ड हमें गिवन है a यूनियन b इज इक्वल टू b। यूनियन में जैसा अभी मैंने पहले बताया कि जो कंपेरेबल सेट्स में जो बिगर सेट होता है वो आता है, यानी a और b अगर कंपेरेबल सेट्स हैं तो जो सुपर सेट होता है वो हमारा आंसर में आता है, यानी अगर a यूनियन b का आंसर b आ रहा है तो इसका मतलब b इज द सुपर सेट, b इज द सुपर सेट, a इज सबसेट ऑफ b, b इज द सुपर सेट। ओके, अब हमें करना है a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन में हमारा अगर दो कंपेरेबल सेट्स हैं तो इंटरसेक्शन में इन दोनों में से जो छोटा सेट होता है वो आता है, तो a और b को अगर कंपेयर करते हैं, b इज द सबसेट ऑफ a, सॉरी b इज द सुपर सेट ऑफ a, यानी a इज द सबसेट, ये छोटा है ये बड़ा है, इंटरसेक्शन में छोटा चाहिए तो छोटा इज दिस a, a, ठीक है, इफ दिस इंप्लाइज थर्ड एंड फोर्थ आर इक्विवेलेंट। हाँ जी, अब हम फोर्थ इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट करेंगे, तो फोर्थ है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, वी नो इफ टू सेट्स आर कंपेरेबल तो स्मॉलर सेट कम्स एज द आंसर, तो अगर a और b को कंपेयर कर रहे हैं आंसर हमारा सेट a आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो स्मॉलर सेट इज a, a इज द सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन b, तो ये हमारा हो गया कि फोर्थ एंड फर्स्ट आर इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से हमने सारे में ये प्रूव कर दिया, फर्स्ट इज इक्विवेलेंट टू टू, सेकंड थर्ड टू थर्ड, फोर्थ के फोर्थ फर्स्ट के इक्विवेलेंट है, यानी सारे आपस में इक्विवेलेंट। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें बोला गया शो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए, यानी गिवन क्या है ए इज सबसेट ऑफ बी और प्रूव क्या करना है सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस बी। हमने क्या किया, अगर कभी भी ये प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है तो हम एक एलिमेंट यहां से लेंगे और प्रूव करेंगे कि वो एलिमेंट तो इसका भी है, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो हमने एक एलिमेंट x आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया c माइनस b, तो x बिलोंग्स टू c माइनस b, इसका मतलब क्या c माइनस b का मतलब क्या, x इसका मतलब है c में तो है एंड x डजंट बिलोंग्स टू b, x c माइनस b मींस x belongs to c and x doesn't belongs to b, let me show you with the help of example, agar c 1 2 3 hai aur b kya hai 3 4 5 to c minus b kya hua, c minus b aapka ho gaya c ke element likhne hai jo iske sath common hai hata do, to 1 2, to agar x ek element c mein hai, c mein hai x belongs to c minus b, x belongs to c minus b, ठीक है, अगर एक एलिमेंट 1 ये है, अगर वो c minus b में है तो वो x doesn't belongs to b, b में तो नहीं है क्योंकि वो तो हमने b वाले तो पहले माइनस कर
कर दिए उसमें से, तो c माइनस बी का मतलब x बिलोंग्स टू c, हमने माइनस कर दिए b वाले एलिमेंट, तो x b में बिलोंग नहीं करता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें दिया है b जो है वो सुपरसेट है a का, अगर कोई एलिमेंट b में नहीं है तो उसका जो सबसेट है उसमें भी नहीं होगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि x b में नहीं है तो x a में भी नहीं होगा भाई, ठीक है, क्यों? रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b, अगर कोई एलिमेंट b में नहीं है तो a में भी नहीं होगा, ठीक है जी। सो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c एंड x डजंट बिलोंग्स टू a, c में तो है लेकिन a में नहीं है, c में तो है लेकिन a में नहीं है, यानी c में से a के माइनस कर दीजिए, x बिलोंग्स टू c माइनस a। तो यहां मैंने गलत लिखा है, इसको मैं सही कर दूं, हमें शो करना था c माइनस b इज सबसेट ऑफ c माइनस a, तो हमने एलिमेंट लिया c माइनस b का, और अल्टीमेटली हम प्रूव करते करते आगे कि अगर x हमने एक एलिमेंट c माइनस b का लिया है तो वो तो c माइनस a में भी है, इसका मतलब ये हुआ कि c माइनस b इज सबसेट ऑफ c माइनस a, हेंस प्रूव्ड। अब स्टूडेंट्स मैंने आज ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक किए हैं, मैं अपनी अगली वीडियो में इसके जो क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स जितने प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं वो करूंगा।